बिलाखर अभी हम पहुंच चुके हैं सैफन के मकाम पर, जो कि दरिया सतलज के ऊपर मौजूद है। और यहाँ के जो सीन्स हैं वो कुछ ऐसे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब अल्लाह ताला के फजल व करम से खैरियत से होंगे। तमाम दोस्तों को अपने एक और ज़बरदस्त स्पेशली ट्रैवलिंग व्लॉग में खुशामदीद कहता हूँ। आज के व्लॉग के अंदर हम जाएंगे एशिया की सबसे बड़ी प्राइवेट लाइब्रेरी को एक्सप्लोर करने, जो कि ज़िला व्याहड़ी की तहसील मैलसी के अंदर मौजूद है। तो आज के व्लॉग के अंदर जो हमने रूट का इंतखाब किया है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट इस तरह के अड्डा पक्की मोड़ पर राणा फहीम साहब और उसका दोस्त मुझे ज्वाइन करेंगे, फिर हम कुसुमसर के एरिया से होते हुए 35W कादरवा के एरिया से होते हुए हम करमपुर पहुंचेंगे। करमपुर से हम मैलसी व्याहड़ी मेन रोड के ऊपर सफर करेंगे, लेकिन मैलसी सिटी से तकरीबन 5 से 6 किलोमीटर पहले एक बिल्कुल शॉर्टली रास्ता निकलता है, जो कि खानपुर का रास्ता कहलाता है, जिसके ऊपर हम सफर करते हुए बासानी हेड सेवन के मकाम पर पहुंचेंगे, जो कि दरिया सतलज के ऊपर मौजूद है। तो आज के ब्लॉग के अंदर मैं आपको खानपुर के मनाजर दिखाऊंगा, मेरे साथ मौजूद रहिए और आगे के ट्रैवलिंग और इंटरेस्टिंग मनाजर को एंजॉय कीजिए। जल्दी से अपने सफर का आगाज करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुभानल्लज़ी सखर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। या अल्लाह खैर करें। जी तो फ्रेंड्स, अभी हम मौजूद हैं ज़िला व्याहड़ी की तहसील मैलसी के इलाके खानपुर में, जो कि दरिया सतलुज का बिल्कुल नज़दीकी एरिया है और इंतहाई ज़्यादा खुशगवार है और इंतहाई ज़्यादा ज़रखेज़ है। पूरे पाकिस्तान के अंदर ज़िला व्याहड़ी की तहसील मैलसी के इस इलाके में सबसे ज़्यादा कपास की फसल काश्त की जाती है। और जिस तरह मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था कि ये बहुत ही शॉर्ट रास्ता है, जो कि बिल्कुल मैलसी सिटी से दूर है और बासानी इजीली हम जो हेड सेफन का मेन मकाम है वहाँ पे हम पहुँचेंगे। सो आगे हमारे साथ मौजूद रहिए। और वो सामने देख लीजिए, दूर से ही जो दरिया सतलुज की बाउंड्री लाइन है वो नज़र आना शुरू हो गई है। दरिया सतलुज के ऊपर जो हेड सेफन है उसके ऊपर मैंने डिटेल के साथ 2 व्लॉग्स बनाए हुए हैं, उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं, आप देख सकते हैं, विज़िट कर सकते हैं। और एशिया की जो सबसे बड़ी प्राइवेट लाइब्रेरी है मसूद झंडी रिसर्च लाइब्रेरी, उसको कोशिश करूंगा कि इस वीडियो से पहले अपलोड करूं, ताकि आप उसको पहले देख सकें, पहले इन्फॉर्मेशन ले सकें। चंद लम्हों बाद हम दरिया सतलुज पे पहुंचने वाले हैं। अगर आपको मेरा ये ट्रैवलिंग व्लॉग पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स में कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिए। और जो लास्ट में हमेशा की तरह मौतवाना गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, जो साथ में बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द किसी नई वीडियो में, किसी बेहतर वीडियो में दोबारा से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपने दोस्त नईम अब्बास भुट्टा को इजाज़त दीजिए और दुआ में ज़रूर याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। नासर
बिल आखिर अभी हम पहुंच चुके हैं हेड सैफन के मकाम पर, जो कि दरिया सतलुज के ऊपर मौजूद है, और यहां के जो सीन्स हैं वो कुछ ऐसे हैं।